हेलो एवरीवन, हम लेंगे एक लकड़ी का गुटका जिसे जो है कुछ इस तरह से बीच से हम कट कर लेंगे। अब देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कट कर दिया है और इसके नीचे के साइड और एक ऊपर के साइड हमें होल करना है। अब देख सकते हैं मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया है होल के लिए, तो यहाँ पे हम ड्रिल मशीन का यूज़ करेंगे होल करने के लिए। गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने होल कर दिया है। उसके बाद लेते हैं फ्रेंड्स हम एक हेक्सा ब्लेड जिसके नीचे जो है ऑलरेडी होल रहता है, एक बीच में मैंने होल कर दिया है अपने लकड़ी के गुटका के अनुसार, इसमें होल कर दिया है। अब यहाँ पे कुछ इस तरह से फिक्स करके दो स्क्रू की हेल्प से इसे टाइट कर देना है। यहाँ पे मैं स्क्रू लगा रहा हूँ। स्क्रू लगाने के बाद आपको कुछ इस तरह से इसको वो बॉल्ट को पीछे से टाइट कर देना है ताकि ये हिले डुले नहीं। अब हमारा जो फ्रेमलेस सा है वो बनके तैयार है फ्रेंड्स। अब देख सकते हैं यहाँ से इसके बीच से ब्लेड को तोड़ देंगे क्योंकि ब्लेड जो है कुछ ज़्यादा ही लंबा है, तो इससे अगर हम कट करेंगे तो टेढ़ा कटने का डर है। सीधा कटने के लिए थोड़ा सा इसका हार्ड होना ज़रूरी है, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर दिया है। फ्रेमलेस सॉ आप वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स, जहाँ पे अगर फ्रेम वाला साव से कट नहीं हो रहा है तो वहाँ पे इस साव का बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है, आप इसे आसानी से कट कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो फ्रेंड प्लीज़ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।